हमें क्या पालना चाहिए, पेडिग्री डॉग्स या फिर हमारे देसी कुत्ते? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं और इसके पीछे अपनी राय देते हैं। हाय, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री डॉग्स और अपने देसी कुत्तों की क्वालिटी के बारे में। डॉग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमें प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये मेरी पर्सनल राय है, आपकी राय अलग हो सकती है और मैं सभी की राय की इज्जत करता हूँ। हमें क्या पालना चाहिए? पेडिग्री डॉग्स, नस्ल वाले कुत्ते जिन्हें हम डॉग शोज में देखते हैं, या अपने देसी कुत्ते? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे गलियों में देसी कुत्ते होते हैं उनका एक अपना ही तरीका होता है जीने का और वो सेल्फ़ डिपेंडेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ़ डिपेंडेंट। बेसिकली ये डॉग जो होते हैं ये स्कैवेंजर्स होते हैं, आवारा होते हैं और हमारे घरों के बचे खुचे खाने पर ही सर्वाइव करते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये वह जंगली कुत्ते हैं जो जंगलों में ना रह के हमारे अर्बन एरिया में रहते हैं और यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल चुके हैं। हमारे घरों से बचा हुआ खाना, सड़ा गला खाना और नालियों में और कूड़ेदानों में से बचे हुए खाने पर ये सर्वाइव करते हैं। अगर हम बात करें पेडिग्री डॉग्स की तो पेडिग्री डॉग बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हमारे घरों में साफ सुथरे रहते हैं और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। क्या ये वाकई सच है? आइए हम कंपेयर करते हैं घर के कुत्तों को और बाहर रहने वाले कुत्तों को। अगर मेरी राय माने तो हमारे घर के कुत्तों से ज़्यादा अच्छी लाइफ बाहर के डॉग्स जीते हैं। जो डॉग्स फ्री घूमते हैं उनकी जो फ्रीडम है उसकी कोई कीमत नहीं है और वो अपनी मर्जी से अपने इलाके में घूमना फिरना और अपने तरीके से सर्वाइव करते हैं। जबकि इससे उलट हमारे घर के कुत्ते एक छोटे से कन्फाइंड एरिया में रहते हैं और बहुत ही कम एरिया उन्हें मिलता है अपने जीवन यापन के लिए। घर के डॉग की लाइफ बहुत ही छोटे से एरिया में होती है, उसके फैमिली मेम्बर्स भी 3, 4 या 5 से ज़्यादा नहीं होते। जबकि देसी कुत्तों की एक बहुत बड़ी फैमिली होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉग्स, बहुत सारे एनिमल्स और एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट उनके चारों तरफ होता है। अगर इम्यूनिटी की बात करें तो घर के डॉग्स की इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि उनका जो एक्सपोजर होता है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही छोटा होता है। इसके उलट बाहर के डॉग्स जो होते हैं, जो हम देसी कुत्ते कहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। घर के डॉग्स के बारे में अगर देखा जाए तो वह बीमारियों से लड़ने के इतने कैपेबल नहीं होते। अगर देसी डॉग्स की बात की जाए तो बिना वैक्सीनेशन, बिना डिवॉर्मिंग, बिना किसी केयर के भी सर्वाइव करते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें देसी कुत्ते अडॉप्ट करने चाहिए, मैं इस राय से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। वो हमसे, हमारे डॉग से बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं और हमें उनके इस इन्वायरमेंट की इज्जत करनी चाहिए और इसी से किसी भी फील्ड में इसे कमतर नहीं समझना चाहिए। बाहर के डॉग्स को हेल्प करना उनके बुरे वक्त में, गर्मी में, बहुत गर्मी में, बहुत सर्दी में पार्शियल हेल्प करना अच्छी बात है। बहुत सारे लोग गली के कुत्तों को खाना डालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको इतना भी फीड ना करें कि वो आप पर डिपेंडेंट हो जाए। वो इस अर्बन जंगल में रहते हैं और अपना खाना खुद ढूंढते हैं और अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। अगर हम उन्हें फीड करना शुरू कर देते हैं और उनकी सारी नीड्स का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं तो वो यह काम करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। और अगर आप ये काम छोड़ दें तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। देसी कुत्तों की हेल्प करनी चाहिए, अपने गली में रहने वाले कुत्तों को गर्मियों में पानी रखें, ज़रूरत पड़ने पर खाना दें लेकिन भरपेट ना दें। आप इस बात का ध्यान रखें कि देसी कुत्तों की एबिलिटी ही है कि वो सर्वाइव करें बाहर और वो आपके बिना भी कर सकते हैं। हेल्प करना अच्छी बात है लेकिन उसकी इस एबिलिटी को ख़त्म करना गलत बात है।
मैं अपने घर के बाहर कई कुत्तों को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं कहीं उनकी इस एबिलिटी को उनसे छीन तो नहीं रहा। आपकी राय इस बारे में अलग हो सकती है और मैं सभी की राय की इज्जत करता हूँ। अगर कोई आदमी स्ट्रीट डॉग्स को हेल्प करना चाहता है उनके बुरे वक्त में, बीमारी के वक्त में, चोट लगने के वक्त में, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। हम लोग इस तरह के डॉग्स की बीमारियों में हेल्प करते हैं और उनको मेडिसिन और केयर प्रोवाइड करते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।